दीपावली पर्व को लेकर जहां बाजारों में रौनक है तो वहीं इंदौर में बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने नंदा नगर स्थित अपने पुश्तैनी किराना दुकान पर सामान बेचा। बता दें कि हर साल धनतेरस पर बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव किराने की दुकान पर बैठकर सामान बेचते हैं। इस दौरान भारी संख्या में लोगों ने सामान भी खरीदा। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के आवास विहीन लोगों को दिवाली पर बड़ा गिफ्ट दिया है, जिससे लाभार्थियों के चेहरे खिल उठे। आशियाने के सपना संजोए लोगों ने दीपावली पर पक्का मकान मिलने पर पीएम मोदी और सीएम शिवराज का आभार जताया है। देखिए रिपोर्ट। धनतेरस पर मध्य प्रदेश के आवास विहीन लोगों को पीएम मोदी ने बड़ी सौगात दी है। घर की चाबी मिलते ही हितग्राहियों ने पीएम मोदी और सीएम शिवराज सिंह चौहान को कोटि कोटि धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत मुरैना जिले की 113 पंचायतों के तहत 510 हितग्राहियों को गृह प्रवेश कराया गया। हितग्राहियों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सभी के भाग्य का उदय हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार ने घर देकर बहनों को लखपति बना दिया है। मध्य प्रदेश की उन लाखों बहनों को आज विशेष बधाई देता हूं जो आज अपने घर की मालकिन बनी है और लाखों रुपयों के बने घर आपको लखपति बना दिया है। सीएम शिवराज ने सतना में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हितग्राहियों को लाभान्वित कर सशक्त भारत का निर्माण किया जा रहा है। मुरैना में चयनित हितग्राहियों को अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम अध्यक्ष रघुराज सिंह कंसाना, जिला पंचायत अध्यक्ष आरती गुर्जर ने आवास की चाबियां भेंट कर गृह प्रवेश कराया। सीहोर जिले में 2601 हितग्राहियों ने प्रधानमंत्री आवास में गृह प्रवेश किया। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने हितग्राहियों को गृह प्रवेश कराया। इस अवसर पर ऊर्जा मंत्री ने हितग्राहियों को बधाई देते हुए कहा कि ये हर्ष का विषय है कि सीहोर जिले को हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 38,408 मकानों का लक्ष्य मिला है, जिसे हर हाल में पूरा किया जाएगा। 38,489 आवास पूर्ण हो गए। आपको नहीं लगता कि ये बात 36,000